नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर आ रही है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में भर्तियां निकलने वाली हैं। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें, किस किस विभाग में कौन कौन सी भर्ती निकलने वाली है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। इस वीडियो में आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की समस्त बेरोजगारी शिक्षा से संबंधित न्यूज तुरंत और सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो राजस्थान के बेरोजगार और विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि एलिमेंट्री एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में और इसी के साथ में एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में LDC, UDC, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट में हजारों की संख्या में भर्तियां खाली पड़ी हैं जिनके संबंध में अब सरकार सख्ते में आई है, क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव में लगी हुई सरकार को बड़ा झटका लगा है जिसके तहत अब बेरोजगारों को, कर्मचारियों को खुश करना सरकार की मजबूरी है। आपको बता दें, आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में आज कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अनेक नेताओं ने केंद्र सरकार में रिक्त पड़े 24 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं को अब रिझाने की कोशिश की है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह जिक्र भी किया है कि उनकी सरकार यदि आती है तो 24 लाख सरकारी नौकरियां अगले साल 31 मार्च तक दे दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जैसा आप ये देख पा रहे हैं लगभग 28,016 पद खाली है, जिसके अंतर्गत संभावना है कि थर्ड ग्रेड टीचरों के लगभग 28,016 पदों पर भर्ती निकल सकती है। इसी के साथ सेकेंडरी सेटअप में बात करें सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचरों की, तो इसके 37,509 पद खाली हैं। दोस्तों, 37,509 पदों पर भर्ती निकलने की पूरी संभावना है। आपको बता देते हैं, इसी के साथ में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक UDC और कनिष्ठ लिपिक LDC के पदों पर भी भर्ती निकलेगी। दोस्तों, तैयार रहें, आप बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको बता दें, UDC के 1341 और LDC के 6,874 पद खाली हैं जिन पर शीघ्र ही भर्ती जा रहे होने वाली। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, इसके लिए अब सरकार का पूरा ध्यान बेरोजगारों की तरफ, इसलिए ये भर्तियां अब शीघ्र ही जारी होने वाली हैं। जिसके बारे में आपको बता दें, ये डॉक्टर BL जाटावत जो कि चेयरमैन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका कहना है कि चयन बोर्ड स्तर पर किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव लंबित नहीं है। पूर्व में जो भर्तियां शुरू की गई थी वो प्रक्रियाधीन है और उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ये बयान अब जारी हो चुके हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, इस संबंध में किसी भी प्रकार की जो है कोताही आपको नहीं बरतनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के विषय में। यदि आप इसी प्रकार की लेटेस्ट भर्ती संबंधी न्यूज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार।